हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम शाही शक्कर पारा बनाएंगे। शाही शक्कर पारा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 2.5 कप मैदा, 1/2 कप घी डालकर मिला लेंगे। ध्यान रहे इस तरीके से दोनों हाथों से मिलते हुए घी को मैदे में अच्छे से मिला लेंगे। देखिए घी मैदे में अच्छे से मिल चुका है। इसे चेक करने के लिए एक लड्डू बनाएंगे और इसे इस तरीके से तोड़कर देखेंगे। देखिए लड्डू टूट रहा है, इसका मतलब घी मैदे में अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और डो तैयार कर लेंगे। अगर डो बनाते समय आपको पानी कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। डो बनकर तैयार है, अब इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पंद्रह मिनट हो चुकी हैं, हम डो को एक और बार गूंथ लेंगे। देखिए डो कितना सॉफ्ट बना है, हम इसे एक बार दबाकर देख लेंगे। अब इसकी लोइयां बना लेंगे। लोइयां बन चुकी हैं, अब इन्हें बेल लेंगे। ध्यान रहे लोइयों में एक भी क्रैक नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम दोनों हथेलियों से इस तरीके से दबाते हुए इसके सारे क्रैक को भर लेंगे। इसको हम थोड़ा लंबा भी लेंगे। इसे थोड़ा पतला भी लेंगे। अब चाकू की मदद से इसके चारों तरफ को काटकर इसे एक चौकोर और लंबी शेप देंगे। अब हम ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर बाकी सबको लंबा लंबा और पतला पतला काट लेंगे।
काटने के बाद जो हमने ऊपर का आधा इंच छोड़ा था हम सबको इकट्ठा करके दबा लेंगे। और बाकी हिस्से को जिस तरीके से चोटी गोई जाती है उस तरीके से बना लेंगे। एक बार देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। अब आखिरी हिस्से को दबा देंगे और इस पर हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि तलते समय खुले ना। बाकी बचे हुए हिस्से को काट लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसी तरीके से हम बाकी शक्करपारा भी बना लेंगे। शक्करपारा बन चुकी है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे इसे धीमी आंच पे ही तलेंगे क्योंकि तेज आंच पे तलने से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तलते समय से ज्यादा नहीं तलेंगे क्योंकि शक्करपारा हमेशा कम तली जाती है। अगर इसकी जगह हम नमक पारा बनाते तो उसे डीप फ्राई करते। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी को भी तल लेंगे। सारे पारे तल चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई लेंगे और उसमें एक कप चीनी, जितनी क्वांटिटी में चीनी लिया था उतनी ही क्वांटिटी में पानी डालेंगे।
और इसे थोड़ा उबलने देंगे। जब चाशनी अच्छे से उबल जाए तब इसमें 10 से 15 केसर के रेसे, ये ऑप्शनल है, और एक चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे मिला लेंगे और दोबारा से अच्छे से उबलने देंगे। हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये एक तार की चाशनी ना बन जाए। ये अच्छे से उबल चुकी है। अब इसे थोड़ा सा उंगली पर रखकर चेक कर लेते हैं। देखिए, एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे। हमने जो पारे बनाए थे अब हम इसको उसमें डाल देंगे। इसे टोंग्स की मदद से इसे पलट लेंगे और इसे चाशनी से अच्छे से कोट कर लेंगे। ये अच्छे से कोट हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी पारों को भी चाशनी से अच्छे से कोट कर लेंगे। ध्यान रहे, शक्कर पारों को एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे क्योंकि वो आपस में चिपक कर टूट सकती हैं। इसको हम 5 मिनट के लिए सूखने देंगे। हो चुकी है, इसकी सारी चाशनी अच्छे से सूख चुकी है। अब इसको हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। शाही शक्करपारे बनकर तैयार है। आप इसे दिवाली के ओकेशन में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।